अल्लाह यर्स वेलकम बैक टू अनदर व्लाग है आप सब है ऐसे होंगे तो आज का बिलाग है जी दावत का बिलाग और यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज शेयर करूँगी तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बीफ निकाला था ये बीफ जो है ना नरफ से मंगवाया था मैंने और ये प्लॉकट बीफ है और बहुत अच्छे से इसकी कटिंग हुई थी सबसे पहले तो आज जो है ना मटर आए हुए थे पाँच किलो मटर मैंने मंगवाए थे और वो मैंने छीलने थे और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था लेकिन अलीजा ने फर्स्ट टाइम मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और हम दोनों ने मिल ना ये मटर छील लिए थे उसके बाद अदर लहसन का पेस्ट मैंने बनाना था इसके लिए मैंने लहसुन छील के रखा हुआ है तो ये सारे काम भी साथ हैं पेंडिंग करने वाले तो सबसे पहले मैं दावत प्रपेशन के लिए ना खीर बनाने लगी थी तो खीर बनाने के लिए यहाँ से मैंने यहाँ पे मैंने ना दो से तीन चम्मच लिए थे चावल के उनको मैंने भिगो लिया था काफ़ी देर पहले ही तो उनको ना मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया है थोड़ा सा पानी डाल के मतलब तो थोड़ा मोटे मोटे मैंने इसमें चावल रखे हैं बिल्कुल क्रश नहीं किए तो अब ये चावल मैं इसमें डाल दूँगी दो किलो मैंने लिया है दूध और ये चावल मैं इसमें डाल दूँगी ऑलमोस्ट मैंने तीन से चार चम्मच के करीब लिए थे चावल और उसके बाद ये आपने तीन से चार ये रस लेने हैं उसको आपने दूध में थोड़ी देर डिप करके मतलब भिगो के रख देना है तो ये नरम हो जाएंगे उसके बाद आपने इसको भी चॉप कर लेना है लेकिन ये मैं कुछ टाइम के बाद ऐड करूँगी जब चावल अच्छे से पक के गाढ़े हो जाएगा और मिक्सचर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तो खीर को मैंने एक साइड पर पकने के लिए रख दिया है अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है इसमें मैं डालूँगी ऑयल और ऑयल गर्म करने के बाद मैं इसमें चिकन को फ्राई कर लूँगी चिकन का कौरमा बनाने के लिए तो चिकन जो है ना जब हम उसको फ्राई करते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड हो जाता है इसलिए मैं फ्राई करके इसका कौरमा बना रही हूँ तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही मज़ेदार ये कौरमा बनता है और मोस्टली हमारे घरों में इसी तरह से बनाया जाता है तो यहाँ पे बस मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी दूसरी साइड पे मैंने बिरयानी का मसाला भी बनाना शुरू कर दिया था गोश्त जो मैंने आपको दिखाया था अभी उसको मैंने ना अच्छा सा उसकी यखनी बना ली थी यखनी के साथ मैं बिरयानी बनाऊँगी और मैंने उसमें डाला था नमक और गरम मसाला और उसके साथ मैंने उसको अच्छे से ना शबुत गरम मसाला डाला था उसके साथ मैंने अच्छे से इसको बॉईल कर लिया है आलमोस्ट जो है ना मैंने 85 परसेंट तक उसको कुक कर लिया था बाकी मैं उसको भूनने में कर लूँगी तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था जब प्याज अच्छा सा ब्राउन हो चुका था उसके बाद मैंने इसे डेढ़ कप के करीब टमाटर्स का पेस्ट डाल दिया ये मेरे पास फ्रोजन फॉर्म में है इसके बाद मैं इसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड कर दूंगी इसमें मैंने नमक ऐड किया है और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की है क्योंकि मैंने इसमें को बिरयानी मसाला भी डालना है इसलिए मैं मसाले कम डाल रही हूँ थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है धनिया पाउडर डाला है आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं बहुत ही आसान सिंपल सी रेसिपी है बिरयानी की और बहुत ईजिली ये बन जाएगी तो यहाँ पर बस अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया जब तक कि टमाटर्स जो है ना अच्छे से डीप फ्रोस हो जाएंगे उसके बाद जब टमाटर्स यहाँ पर अच्छे से डीप्रोस हो चुके थे तो मैंने यहाँ पर चिकन निकाल गोश्त निकाल लिया था बीफ सारा और इसको मैंने अच्छे से भून लेना है क्योंकि गोश्त गोहित गलावा है तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाने अच्छे से एक दफ़ा मैं मसाले में मिक्स कर लूँगी और बहुत अच्छे से मैंने इसकी बनाई करनी है आठ से दस मिनट के लिए ताकि अच्छा सा जो है ना बहुत अच्छा सप्ले पर आ जाए और बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बनी थी और छोटा सा आ, आ, मतलब एक डिनर था गेस्ट के लिए तो उनको खाना बहुत पसंद आया था बहुत सिंपल सा मेन्यू था और क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस की दावत थी और ये मतलब सुबह जो है ना सुबह दस से ग्यारह बजे तक तो मुझे मटर छीनने में लग गया उसके बाद मुझे पता चला था कि दावत है तो उसमें बस फटाफट फट से ये मैंने कुछ चीज़ें तैयार कर ली थी तो उसके बाद मैंने आलू लिए थे आलू यहाँ पे मैंने दो से तीन लिए मीडियम साइज़ के मैंने इस तरह से आ, काट लिया था क्यूब्स में और यहाँ पे मैंने दही लिया है आलमोस्ट आधा कप कर के करीब ये दही है और स्वाद का बिरयानी मसाला लिया है स्वाद का मसाला बिरयानी मसाला ना बड़ा फेवरेट है मुझे बहुत पसंद आया इसका टेस्ट मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई किया था और उसके बाद ये मेरा फेवरेट हो चुका है अब तो मैंने दो चम्मच डाले थे स्वाद का बिरयानी मसाला और उसमें मैंने दही डाल के दही में डाल के ना उसको अच्छे से उसका पेस्ट बना लिया है इस मसाले को मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको भी अच्छे से भून लूँगी इसके साथ इससे ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता दूसरा है दूसरा बिरानी मसाला ना बड़े अच्छे से आपका मिक्स हो जाता है मसाले में और इसके बाद दही के साथ भी मैं उसको अच्छे से इसकी बनाई कर लूँगी और इसके बाद ना मैंने इसमें पानी डाल देना है यहनी वाला पानी मैं इसमें डाल दूँगी जितनी देर में बस आलू आराम से गल जाएँ गोश्त ऑलमोस्ट डन है तो थोड़ी सी जो कसर रह गई है वो आलू के साथ हो जाएगा तो इसलिए मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया वरना आपकी गोश्त की बोटियाँ जो है ना वो बिल्कुल टूट जाती हैं और बिल्कुल अजीब सा जो है ना आपका बिरयानी लगेगी तो बिरयानी में कम से कम इसको जो है ना नज़र आनी चाहिए बोटी को सबुत तो यहाँ पे देखें खीर बहुत अच्छी सी गाढ़ी हो चुकी है इसमें मैंने जो रस थे वो भी मैंने ब्लेंड करके डाल दिए और ये देखें कितनी अच्छी सी गाढ़ी हो चुकी है ये खीर तो अब यहाँ पे मैं इसका कैरेमल तैयार करने वाली हूँ तो कैरेमल के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है इसमें मैंने डालनी है चीनी अब चीनी जो है ना वो मैं अपने मीठे के हिसाब से नहीं ऐड कर रही हूँ मैं ऐड कर रही हूँ सिर्फ कैरेमल के हिसाब से तो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे ना थ्री वन एन हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें मतलब चीनी ऐड की होगी और ये जो है ना दूध था मैं बस दो लीटर था मतलब आधा कप के हिसाब से मैं ये कर रही करी हूं। बाकी मैंने इसमें, इसमें स्टीबिया ऐड किया था और चीनी मैंने ऐड भी सिर्फ कैरमल के लिए ऐड की है वरना मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं करनी थी तो क्योंकि इसको मैंने कलर देना था इसलिए मैंने इसमें कैरमल बनाने के लिए चीनी ऐड की है चीनी को आपने बस इसके अंदर डाल के थोड़ी देर पकाना है तो देखिए इससे से, -से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी उसके बाद ये अपना कलर भी चेंज करना शुरू हो जाएगी और जब ये कैरमलाइज होगी तो आपने इसको खीर में डाल के मिक्स कर लेना है तो ये आपके पास पिशावरी खीर बिल्कुल बड़ी अच्छी से तैयार हो जाएगी जो हमें शादियों पे खाने को मिलती है ये बिल्कुल वही खीर है बहुत ही मज़ेदार बनती है बहुत बहुत मज़ेदार बनती है आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं लगनी आपकी तो बस यहाँ पे देखें अच्छे से जब चीनी मेल्ट हुई है तो साथ ही कैरामलाइज़ होनी शुरू हो गई है जब इसका अच्छा सा कर, कलर कैरम कैराम जैसा हो जाएगा तो आपने इसमें ऐड कर देना है तो ये कैरमल आपकी खीर को कलर और फ्लेवर दोनों देगा तो यहाँ पे मैंने सारे का सारा कैरमल इसमें ऐड कर दिया है आपने साथ से चम्मच चलाते रहना है ताकि अच्छे से कलर सारा अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो खीर यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी अच्छा कोरमे के लिए यहाँ पे मैंने तीन टमाटर लिए थे उसके साथ ना मैंने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया था सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई किया है और उसके बाद ना मैंने अच्छे से ब्राउन होने के बाद उसमें ये मिक्सचर डाल दिया था अब मैं इस मसाले को अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी जो पहले मैंने फ्राई करके रख ली थी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला जो है ना वो बहुत अच्छा सा मतलब बिल्कुल दानेदार सा मसाला आपका रेडी होगा तो इस मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी जब तक ये ऑयल छोड़ दे उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी और चिकन को ऐड करने के बाद मैं उसके साथ इसकी बुनाई कर लूँगी और उसके बाद आपने बस इतना पानी डालना है जिसमें चिकन अच्छे से गल जाए ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट तो वो गल जाती है फ्राइंग में ही तो बाकी जो कसर है वो यहाँ पे इसकी पूरी हो जाएगी बस पानी मैंने बस इतना ही इसमें डालना है यहाँ पे मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है और बस मैंने इसमें दो चम्मच कोरमा मसाला ऐड किया इसके अलावा मैंने कोई मसाला इसमें ऐड नहीं किया आप कोरमा मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे जो फ्राई किया हुआ चिकन रखा हुआ था उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है उसके बाद मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और अपने इसके मसाले के साथ भी अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है ताकि मसालों का फ्लेवर भी अच्छा सा इसमें आ जाए और उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी पानी मैं अच्छे से गर्म करके इसमें ऐड करूँगी ताकि कुकिंग प्रोसेस फटाफट से इसका स्टार्ट हो जल्दी से ये गल जाए तो यहाँ पे बस मैंने गर्म पानी इसमें डाल दिया है एक चिकन की मैं बुनाई कर चुकी थी और इसके बाद मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी ऑलमोस्ट मैं इसको टेन टू तो फिफ्टीन मिनट्स पकाऊँगी और उसके बाद आप एंड में इसको गार्निश कर लें तो यहाँ पर कौरमा भी है ना ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो चुका है इसको भी मैं कवर करके रख दूँगी तो एक और जो डिश थी वो मेरी यहाँ पे रेडी हो चुकी थी अब यहाँ पे मैंने चावल रखे हैं जी बॉईल करने के लिए तो सबसे पहले मैंने यह ऐड की है जो मैंने बनाई थी गोश्त के साथ पीफ के साथ और उसके साथ मैंने नमक और थोड़ा सा आ, मतलब इसमें गरम मसाला वगैरह ऐड किया है और साथ मैंने इसमें दो सब्ज़ मिर्ची ऐड की हैं सब्ज़ बहुत ज़्यादा तीखी है इसलिए मैंने कम ऐड की हैं और इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया है ऑयल यही का भी था लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और उसके बाद आपने इसको अच्छा सा बॉयल आने देना उसके बाद मैंने इसको बॉयल कर लिया था बिरयानी की जो फाइनल लुक है वो मेरे से मिस हो गई और वो फाइनल टेबल पे रखते हुए भी और वैसे बना के भी जो है ना वो मैं क्योंकि वो बिल्कुल एंड टाइम पे तैयार हुई थी तो मैंने उसको किया नहीं और इसमें से मैंने खीर को गार्निश किया था गार्निश मैंने shuttle, uh, करके मैंने इसको क्लिंग पेपर से रैप करके के यहाँ पर रख दिया था पहले क्योंकि इसको मैंने ठंडा ही सर्व करना था और चटनी को भी मैंने अलग से जो है ना uh, दो बाउल्स में निकाल के उसको भी क्लिंग रैप में करके रख दिया है साथ सैलड बना के रख लिया था मैंने इसको भी सारा मैंने क्लिंग रैप कर लिया है ताकि सारी चीज़ें मैंने पहले से सेटिंग करके से रखी थी क्योंकि ऑल एंड ऑल मैं ही थी सारा मैंने सेटिंग करनी थी तो इसलिए मैंने फटाफट से साथ साथ टेबल सेटिंग भी कर ली और एंड पे रह गई थी रोटी वो भी मैंने बना ली थी यहाँ पे और बस खाना चाना खाया था बहुत अच्छा लगा था खाना मेहमानों को और सबको बहुत पसंद आया था और बहुत इजी सिंपल सी रेसिपीज़ थी लेकिन बहुत अच्छे फ्लेवरफुल वे में मैंने बनाई थी अभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपीज़ को और बर्तन वगैरह सारे मैंने वॉश कर लिए थे ये सुबह का क्लिप है जब ये बर्तन ड्राई हो चुके थे अब मैं इनको निकाल रही थी और अपनी अपनी जगह पर मैंने रखना था तो बहुत इजी सिंपल सी रेसिपीज़ हैं जरूर ट्राई कीजिएगा अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग